अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको तीन ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपको प्ले स्टोर में बिल्कुल नहीं मिलेंगी। उसके मैं बताऊंगा उसके फायदे क्या हैं और वो क्यों डिलीट कर दी गई और किस वजह से इसको डिलीट कर दी गई, जो हमारे लिए नुकसान दे सकते थे बल्कि हमारे जो इंटरनेट चलाते हैं वो उनको नुकसान दे सकते थे। मैं आज आपको ऐसी तीन ऐप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपने करना क्या है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस वीडियो को लाइक कर लो और लोगों से लोगों को शेयर कर दो ताकि उस लोगों को आप ये मेरी वीडियो पहुँच सके। सबसे पहले आपको वीडियो पहली ऐप जो नंबर थ्री पे ऐप आती है मैं उसका नाम बताता हूँ, वो है सिनेमा बॉक्स HD। ये एक ऐसी ऐप थी जो हमारे में पहले प्ले स्टोर पर मिल जाती थी लेकिन अब हमें वो प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि मल्कि हमारी कोई भी वीडियो जो मूवी होती थी रिलीज होती थी वो दो दो या तीन दिन बाद उस ऐप में मौजूद हो जाती थी, जिसके वजह से जो जो मूवी बनाते थे डायरेक्टर जो डायरेक्टर हो गए बल्कि जो दूसरे लोगों को जो वीडियो उस मूवी बनाने में इन्वॉल्व थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता था, जिसकी वजह से वो प्ले स्टोर पर पहले मौजूद थी, अब वो प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। जो अगर आप चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड करना तो आप सीधा से ब्राउज़र पर जाएँ, वहाँ से सिनेमा बॉक्स HD लिखें, आपको वहाँ से आसानी तरीके के साथ आपको वो ऐप मिल जाएगी। अब अगर जो दूसरी ऐप के बारे में बात करता हूँ वो ट्यूबमेट। ये एक बहुत अच्छी ट्यूबमेट एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसके जरिए हम अपनी यूट्यूब की वीडियो वह आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन इसकी वजह मैं बताता हूँ कि ये इसने क्यों प्ले स्टोर से डिलीट कर दी गई। सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह ये है कि अगर हम देखते हैं कि हमारी जो पहली यूट्यूब थी हम वहाँ से अपनी वीडियो डाउनलोड गैलरी में नहीं सेव कर सकते थे। इसकी वजह ये थी कि अगर हम कोई जो ऐड चलाते यूट्यूब ने कि इसको क्यों प्ले स्टोर से डिलीट करवाया, मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि ये यूट्यूब है वो एक गूगल का ही ब्रांड है, वो गूगल के ही अंडर आता है, तो इसलिए गूगल भी एक प्ले स्टोर जो है वो भी गूगल का ब्रांड है, जिसकी वजह से उन्होंने प्ले स्टोर से ट्यूबमेट को डिलीट कर दिया गया। क्योंकि ये एक इलीगल एप्लीकेशन थी जिसकी वजह से हम यूट्यूब की जितनी भी वीडियो थी वह आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते थे। इसके जरिए क्या होता था, यूट्यूब पर जो एडवर्टाइजमेंट होती थी वो यूट्यूब पर वीडियो लगाती थी, जो ऐड लगाती थी, ऐड लगाने के बाद वो जो हम जो स्किपेबल ऐड देखते हैं, नॉन स्किपेबल ऐड देखते हैं, इसके भी यूट्यूब को इसके जरिए तो यूट्यूब पैसे कमाती थी, और जो अगर जिनके यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन थे वो भी इसके जरिए कमाती थी। वो क्या होते थे कि जो जो ट्यूबमेट से लोग वो आसानी तरीके से वो यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कर लेते थे, इसकी वजह से वो दोबारा यूट्यूब से देखनी नहीं पड़ती थी, इसकी वजह से उनको बहुत लॉस होता था, जिसकी वजह से उन्होंने डिलीट करवा दी ट्यूबमेट। ये था ये ट्यूबमेट की बड़ी वजह जिसकी वजह से ट्यूबमेट डिलीट करवा दी गई। आगे सबसे बड़ी जो नंबर वन पे एप्लीकेशन आती है जो प्ले स्टोर से डिलीट करवा दी गई है उसका नाम है लकी पैच। एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसके जरिए हम अपनी गेमिंग हैक कर सकते थे। या मैं बताता हूँ ये गेमिंग क्यों किस तरह और कैसे हैक कर सकते थे। कैसे ये ऐसे थे कि आपको भी ऐसी गेमें देखी होंगी जिसके ऊपर पैसे लगते थे, कॉइंस मिलते थे, तो ये ऐसी गेमें इसलिए इस गेमों पर ये लकी पैच एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये इसके ऊपर वर्क किया जाता था। ये ऐसे वर्क किया जाता था कि अपने पास कोई कॉइन्स मतलब अगर कोई कॉइन चाहिए तो आप लकी पैचर पे जाते थे, इसके जरिए आप कनेक्ट करके अपने लिए कॉइन अपने गेम में अपनी आईडी में ट्रांसफ़र करवा देते थे, जिसकी वजह से वो से उनको लॉस होता था गेम वालों की वजह से, गेम वालों को, और वो प्ले स्टोर से उन्होंने लकी पैचर को डिलीट करवा दिया। अगर वो अभी चाहते हैं ट्यूबमेट और लकी पैचर भी डाउनलोड करना है वो बहुत आसानी तरीके से प्ले ब्राउज़र पर जाएंगे गूगल के, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर लिखेगा लकी पैच डाउनलोड APK, ऐसे ही लिखेंगे ट्यूबमेट डाउनलोड APK, इस तरह हम बहुत आसानी तरीके से ये डाउनलोड कर सकते थे। ये थे तीन एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पर कभी नहीं मिलेंगी, जो पहले मौजूद थी लेकिन आपको अब नहीं मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।